आत्मीय बंधुगळे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चुनावना प्रचार नमेल अच्छी नायक अखिल भारत कांग्रेस पक्ष उपाध्यक्ष देश भविष्य नायक सन्मान्य राहुल गांधी जी तमने उद्देश्य मतना के बंद प्रदेश कांग्रेस समिति परवा हावेरी जिला कांग्रेस परवा तमेल परवा नानूर्वक स्वागत बैसोदे इष्टपड़ते अदे रीति अखिल भारत कांग्रेस पक्ष प्रधान कार्यदर्शी कर्नाटक उस्तुवारी मधुसूदन मिश्री जी आगमन कूड़ा स्वागत मातने श्री मट्टी कट्टी एच के पाटील सभा आगमन कभी के स्वागत मातने तमने उरी बिल इन संख्य बंद प्रतियो कांग्रेस पक्ष कार्यकर्त सहोदरी माध्यम सभा स्वागत मातने स्नेहितरे चुनाव कर्नाटक बदलाव तरतक चुनाव कर्नाटक आड़ बदलाव तरबुंत कर्नाटक जन बयस कड़े ईद वर्ष राज्य भारतीय जनता पार्टी आड़ नो जन बेसत् सामान्य वयस्सवे कनिष्ठ पेंशन को साध्य सरकार बीपीएल कार्ड के साध्य आ सचिव हेतर मूव लक्ष अनधिकृत बीपीएल कार्ड कर्नाटक अंतर जो कांग्रेस पक्ष सरकार हिंदे सदर्भली ना कार्ड के 25 केजी यूनिट के ना अखिया को भारतीय जनता पार्टी बंद केवल 4 केजी को नावत संकल्प कर्नाटक मत बारी कांग्रेस पक्ष अधिकार बंदा रूप केजी के 30 केजी अखिया को तीर्मानी रैत हाल हाँ हसुन साकि हाल हाँ डेरी अदे सब्सिडी को 2 रूपये सब्सिडी को रैत बेड़े नमें सब्सिडिया भारतीय जनता पार्टी सरकार कवत ना नम प्रणा के सरकार बंदा 4 रूपये सब्सिडिया रैतने को मीटर् 4 रूपये सब्सिडिया को नावत स्ने 2009 प्रवाह बंतु सुमार 14 जिले प्रवाह बंतु लक्षांतर जन मले मने कळ्कोंड्रु जानवर सत्तोद्रु जन सत्तोद्रु भारतीय जनता पार्टी यावदे परिहारवन्न तक्षण आगलिल्ल सोनिया गांधी जी बंद्रु डाक्टर मनमोहन सिंग बंद्रु चिदंबरम बंद्रु 1680 कोटि रूपाय परिहार कोट्रु हण एल्लोय्तु गोत्तागलिल्ल तावु नोडिरबहुदु इवत्तु कूड आ जन टिन शेड नल्ले इद्दारे अवरिगे मने कट्टिकोडतक्कंत केलस माडलिल्ल इवत्तु यावदे नीरावरि योजनेयन्नु माडलिल्ल ई क्षेत्रदल्लि इरतक्कंत पीडब्ल्यूडी सचिवरागिरतक्कंत उदासी अवरु इवत्तु अनेक रीतियल्लि अवर मेले अपवादगळिद्दावे
रस्ते सरिया पीडब्ल्यू इडालय इलाखे सामीरार कोटि रूपये हण दुर्व्यवहार आगे अंत मत कवत तवेलू बंदी राहुल गांधीजी बंदी बहुश देश राज्य स्वच्छ आड़ोदे समर्थ नायकत्व को सन्मान्य राहुल गांधीजी तमगे बंद कर्नाटक मुंदे हिंदे नम कर्नाटक मोदलने स्थान ऐन अदान मत बारी मोदलने स्थान के तेजी अंत तम मुदेद बंद आदू समय तकड़े नानु तमेल परवा श्री राहुल गांधीजी तम उद्देश्य मतनाड़ोदे स्वागत मातने सर ई रिक्वेस्ट यू टू एड्रेस गैदरिंग सर मधुसूदन मिस्त्री जी डॉक्टर परमेश्वर जी वीराना मतिगति जी सूर्यप्रकाश रेड्डी जी कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। मुझे एनएसयूआई के झंडे दिख रहे हैं, एनएसयूआई के यूथ कांग्रेस के जो हमारे युवा हैं आपका भी यहां बहुत स्वागत। कर्नाटक बेंगलोर हिंदुस्तान की शान हुआ करती थी, सबसे तेजी से आप आगे जा रहे थे। आईटी की बात होए, प्रगति की बात होए, कर्नाटक की बात होती थी। पिछले 9 सालों में बीजेपी की सरकार जब आई, मिलीजुली सरकारें जब आई, तब से कर्नाटक आगे नहीं जा रहा है। सही है गलत है आपको क्या लग रहा है, कर्नाटक आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? अगर आप अमेरिका जाते, इंग्लैंड जाते, उनसे पूछते भैया कर्नाटक के बारे में बताओ, अगर आप 10 साल पहले जाके पूछते वो आपको बताते कर्नाटक में बेंगलोर है, कंप्यूटर है, आईटी है, प्रगति है, हिंदुस्तान के सब प्रदेशों से आगे कर्नाटक दौड़ रहा है। याद है आपको वो समय, याद है जब कर्नाटक सबसे तेजी से आगे जा रहा था? अब क्या हुआ, एक ही चर्चा होती है। किसी भी प्रदेश में चले जाइए और पूछे भैया कर्नाटक के बारे में आपको क्या लगता है, और आपको लोग कहेंगे कर्नाटक की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने करप्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आप करप्शन देखना चाहते हो तो आप जाओ बीजेपी की सरकार, कर्नाटक की सरकार को देखो, और जैसा आपको करप्शन कर्नाटक में दिखाई देगा दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देगा। और ये क्यों हो रहा है मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। एक कारण तो मैं आपको बता सकता हूं, जब बीजेपी यहां आई, जब उनकी शुरुआत हुई तो उन्होंने बेल्लारी के जो दो भाई थे उनका पैसा प्रयोग किया, उनके पैसे का प्रयोग किया। उन्होंने सोचा कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा करना है, पैसे की जरूरत है, और उन्होंने बेल्लारी के जो माइंस हैं उनसे उनका पैसा लिया और उस पैसे को प्रयोग किया। गलत बात है सही बात है? सही बात है। फिर क्या हुआ, चुनाव का समय आया,
और जो बेल्लारी के भाई है उन्होंने बीजेपी से कहा भैया आपने हमारा पैसा प्रयोग किया, अब आप हमें अपने एमएलए दीजिए। और 40 एमएलए बीजेपी ने बेल्लारी के दो भाइयों को पकड़ा दिए। सही बात है, गलत बात है? और पिछले 5 सालों से आपकी जो सरकार बनी है वो बीजेपी की सरकार नहीं है, वो बेल्लारी की सरकार है। और इस प्रकार बीजेपी ने आपके प्रदेश को अलग अलग टुकड़ों में लेकर बांट दिया। होना क्या चाहिए, आपके पास आयरन ओर है, आयरन ओर को यहां पे स्टील में बदलना चाहिए, कारखाने लगने चाहिए, उस आयरन ओर को स्टील में बदलना चाहिए और फिर स्टील चाइना जाना चाहिए। सही बात है? हुआ क्या, आपकी जमीन ली, आपके आयरन ओर को लिया, चीन भेजा, यहां किसी को रोजगार नहीं मिला, उल्टा विधानसभा पे कब्जा हो गया। और जब विधानसभा पे कब्जा हुआ तो फिर आप लोगों को भूल गए, क्योंकि आपकी आवाज सिर्फ विधानसभा में होती है और कहीं नहीं होती है। फिर क्या हुआ, विधानसभा ने पानी की बात नहीं की, रोजगार की बात नहीं की, प्रगति की बात नहीं की, सिर्फ ऐसे कानून बनाए जिससे चुने हुए लोगों को फायदा हो, जिससे बेल्लारी में रेड्डी ब्रदर्स को फायदा हो, बाकी लोगों को फायदा हो। आपका क्या हुआ, क्या हुआ आपका पिछले 5 सालों में? जो आपका दर्द है, जो ये युवा खड़े हैं, जो आपका दर्द है, जो आपको रोजगार नहीं मिलता, जो यहां पानी नहीं मिलता, उसका क्या हुआ पिछले 5 सालों में? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार की बात हुई। रोज मैं अखबार पढ़ता था, अखबार खोलो, कर्नाटक में रोजगार की बात नहीं, प्रगति की बात नहीं, युवाओं की बात नहीं, सिर्फ लड़ाई चली। बीजेपी के नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? आपकी प्रगति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आपके पैसे के लिए लड़ रहे हैं। जो आपका पैसा है, जो आपका पैसा है, उसके लिए लड़ाई चल रही है। कभी कोई कहता भैया मेरा एमएलए है, मेरे 10 एमएलए है, मेरे 12 एमएलए है, आपकी जो आवाज है उसको दबा दिया। दिल्ली में कहते भैया हम भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं, और यहां पे जहां उनकी सरकार है यहां उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, यहां उनको आपका दर्द नहीं दिखाई देता, यहां युवाओं का दुख नहीं दिखाई देता, महिलाओं की आवाज नहीं सुनाई देती, मगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हम भी सरकार चलाते हैं दिल्ली में, यहां प्लान होता है, हमने आपको मनरेगा दिया, हर व्यक्ति को रोजगार दिया, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हमने रोजगार दिया। आपको आरटीआई दिया, जिससे इनके भ्रष्टाचार के बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं। अब आपके पास आते हैं वही बीजेपी के नेता, अब आपके पास आते हैं कहते भैया हमें फिर वोट दो। आप उनसे पूछो क्यों वोट दें आपको, आप उनसे जाके पूछो आपने हमें क्या दिया पिछले 5-7 सालों में? इरिगेशन प्रोग्राम दिए, बिजली दी, पानी दिया, युवाओं को रोजगार दिया, मिला आपको रोजगार? तो जब भी आप, जब आपके पास आते हैं आप उनसे कहो भैया ऐसे करो, आप हमें यह बताओ आपने क्या दिया जो हम आपको ये वोट दें, कीमती वोट दें। अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेस पार्टी यहां क्या काम करेगी। सबसे पहले जो विधानसभा को 4-5 नेताओं ने
कंट्रोल कर रखा है। विधानसभा में हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे, आम आदमी की आवाज पहुंचाएंगे, गरीबों की आवाज पहुंचाएंगे, युवाओं की आवाज पहुंचाएंगे। जो कानून बनेगा वो आपके लिए बनेगा, युवाओं के भविष्य के लिए बनेगा, किसी परिवार के लिए नहीं बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, पानी, रोजगार, बिजली पे कांग्रेस पार्टी फोकस करेगी और हम आपको ऐसी सरकार देंगे जो एक बार फिर कर्नाटक को पटरी पे लाए। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर जब हिंदुस्तान के लोग कर्नाटक की बात करें, वो कहें कि भैया सबसे तेजी से आगे जा रहा है प्रदेश, प्रगति हो रही है और ये करा जा सकता है। यहां आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दोगे और मैं उनसे भी कुछ कहना चाहता हूं, जब आप एमएलए बनोगे आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा, आपको जनता की आवाज सुननी पड़ेगी और अगर आपने भ्रष्टाचार किया तो आप पे सख्त कार्रवाई होगी। और युवाओं से मैं कहना चाहता हूं और महिलाओं से, ये जो हमारा राजनीतिक सिस्टम है इसको बदलना है, नए लोगों को इस सिस्टम में आना है, महिलाओं को आना है और युवाओं को आना है। क्योंकि अगर आपने कर्नाटक को सचमुच में बदलना है तो सरकार जरूर बदलनी है मगर राजनीतिक सिस्टम भी बदलना है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो सिस्टम को बदल सकते हो, आप लोग जो राजनीति के बाहर खड़े हो, आप लोग अंदर आओ और आप लोग राजनीति को अंदर से बदलो। बात समझ आई? सही बात है। आप खड़े होगे, आओगे राजनीति में, बदलोगे? हां, जोरों से बोलो। क्योंकि अगर आप लोग नहीं बदलोगे इसको कोई नहीं बदल सकता। अगर आम आदमी सिस्टम के अंदर नहीं आएगा, सिस्टम नहीं बदल सकता। और मैं ये काम करना चाहता हूं, राजनीतिक सिस्टम के दरवाजे में आप लोगों के लिए खोलना चाहता हूं, गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए खोलना चाहता हूं कि जो हमारा सिस्टम है ये बदले। क्योंकि जब ये सिस्टम बदलेगा तब आपकी आवाज सचमुच में सुनाई देगी। आप यहां आए, गर्मी में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए और उन लोगों का समर्थन कीजिए जो आपके घरों में आए, आपका हाथ पकड़े, आपकी लड़ाई लड़े। पानी की बात करें, प्रगति की बात करें, रोजगार की बात करें, कर्नाटक को आगे ले जाने की बात करें, उनको आप समर्थन दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।